हेलो स्टूडेंट, चैन टू गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट टुडे। आई विल टीच यू एक्सरसाइज 56। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ₹9.75। रुपीज़ कुछ में चेंज करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है ₹9.75 इक्वल टू रुपीज़। तो वी नो ₹1 इक्वल टू 100 पैसे। वी नो ₹1 इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे इक्वल टू रुपीज़ 1/100। मैंने बताया था कल भी, ज़्यादा कम दिया हो, ज़्यादा पूछ रहा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा दिया हो कम पूछ रहा है तो डिवाइडेशन। तो हमको स्मॉल यूनिट में चेंज करना है। तो 1/100 से सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, स्मॉल यूनिट में बताना है। तो 75 पैसे इक्वल टू 75/100, जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.75। तो यहीं यहाँ रुपीज़ 9.75 करेंगे, क्योंकि 9 अब प्लस 0.75 प्लस करेंगे, 9 रुपीज़ में है, इसको चेंज करना नहीं है, 75 पैसे को चेंज करना है। तो कितना आ गया, 9.75 पैसे। इसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर सी है 25 पैसे इक्वल टू रुपीज़। 25 पैसे इक्वल टू 25/100 इक्वल टू 25 में 100 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25। यहाँ लिख देंगे 0.25 पैसे। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी, 575 पैसे इक्वल टू, तो 575 पैसे दिया है। तो 575 पैसे इक्वल टू, वी नो 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो रुपीज़ 575/100, 100 का जब डिवाइड करेंगे, 100 5 जा 500, फिर यहाँ 5 राइट करेंगे और नीचे क्या आएगा 75, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो फिर 7 टाइम्स जाएगा 700, फिर 5 उतारेंगे, फिर 5 ब्रॉट डाउन करेंगे तो फिर 0 उतारेंगे यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, 105 जा 500, कितना आ गया रुपीज़, 5.75 रुपीज़। ओके, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं 1:100 पे, ठीक है। उसी तरह आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद है आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर टू, ये है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो वी नो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वी नो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे स्मॉल यूनिट में तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 29 सेंटीमीटर इक्वल टू 29/100 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 29 में तो 100 पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 100 2 जा 200, फिर कट करेंगे तो 9 आएगा 0 आएगा, फिर 9 फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे पॉइंट के डिसिमल तक तो 0 को 100 का 9 में करेंगे तो 100 9 जा 900 आएगा, तो कितना 9 टाइम, तो 0.29 मीटर यहाँ कैसे कर देंगे फिलअप। ओके, इसी तरह क्वेश्चन सी को सॉल्व करना है। 4 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर है, ये मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों में दिया है। तो वी नो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 27 सेंटीमीटर इक्वल टू 27/100 मीटर इक्वल टू 0.27, 100 का 27 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.27। तो 4 मीटर में है, मीटर को चेंज करना नहीं, तो 4 मीटर प्लस 0.27 मीटर इक्वल टू 4.27 मीटर। इफ़ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर एफ, 401 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर वी नो, तो 401 सेंटीमीटर इक्वल टू 401/100 मीटर। जब 401 में डिवाइड करेंगे तो 100 4 जा 400, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा के यहाँ 100 कर देंगे तो 100 1 जा 100, कितना आ गया 4.01 मीटर। ओके, आई हैव सॉल्व दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A, आपको सभी क्वेश्चन फर्स्ट एंड टू सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 500 मीटर इक्वल टू, तो वी नो 1 किमी इक्वल टू, इसको किमी में चेंज करना है, मीटर को किमी में चेंज करना है, बड़े बिग यूनिट स्मॉल यूनिट में चेंज करना है बड़े यूनिट को, ठीक है। तो वी नो 1 किमी इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किमी, 1/1000 किमी। तो 500 मीटर इक्वल टू 500/1000 किमी, तो 500 डिवाइड करेंगे तो 1000 का 500 में जाएगा नहीं डिवाइड, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 105 जा 5000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 किमी, इसका कितना आ गया 591, ठीक है। तब क्या करेंगे, ये किमी में है तो 5 किमी, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा 0.5 किमी आ गया, 0.5 किमी आ गया, ये नहीं होगा, 0.5 किमी आ गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर एफ है 5 किमी, इसको फिर से बता दे रहे हैं, 500 मीटर को
किमी में चेंज करना है, 500 1000 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5, तो 0.5 लगा सकते हैं या 0.5 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है 5 किमी 961 मीटर, तो किमी को चेंज करना नहीं है हमको, मीटर को किमी में चेंज करना है। तो 5 किमी प्लस 961 बाई 1000 किमी, तो 1000 सब डिवाइड करेंगे तो 960 आएगा, तो 5 किमी प्लस 0.961, तो कितना आ गया 5.961 किमी। तो इसको क्या कर देंगे, 5.961 किमी आ गया, तो यहाँ फिलअप कर देंगे 5.961 किमी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जी है 6789 मीटर है, तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.789, सिक्स टाइम जाएगा फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 6.789 किमी में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ग्राम को केजी में चेंज करना है, ग्राम को केजी में चेंज करना है, ठीक है। तो वी नो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 केजी, तो 900 ग्राम करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.9 केजी, यहाँ फिलअप कर देंगे 0.9 केजी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जी है 20 kg एंड 60 ग्राम, तो 20 kg एंड 60 ग्राम दोनों दिया है, तो केजी को चेंज करना नहीं है हमको, किस में चेंज करना है इसको, ग्राम को चेंज करना है केजी में, ठीक है। तो 20 kg प्लस 60/1000 kg, तो 1000 का 60 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.06, डिवाइड करके देख लीजिएगा आप लोग, तो कितना आ जाएगा 20 में प्लस कर देंगे 0.06 केजी, तो कितना आ गया 20.06 केजी, तो यहाँ क्या आ गया 20.060 केजी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5, ml मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, तो वी नो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, एंड स्मॉल यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेशन, तो 1 ml इक्वल टू 1000 लीटर हो गया, तो 800 ml इक्वल टू 800 लीटर बाई 1000, इक्वल टू जब इसको डिवाइड करें कितना आएगा 0.8, तो 0.8 लीटर यहाँ। ओके, आई हैव सॉल्व इट। एंड क्वेश्चन नंबर डी है 5 ml इक्वल टू, तो 1 ml इक्वल टू वी नो 1/1000 लीटर, तो 5 ml इक्वल टू 5/1000 लीटर, तो इक्वल टू जब डिवाइड करेंगे 1000 का 5 में नहीं जाएगा, पॉइंट उतारेंगे फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा जीरो उतार के फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा जीरो फिर राइट करेंगे फिर ब्रॉट डाउन जीरो करेंगे, कितना आ गया 5000, तो 1/5 = 5000, कितना आ गया आंसर 0.05 लीटर। ओके, एंड एच है 4004 ml इक्वल टू, जो सिमिलर क्वेश्चन है आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है, वी विल ट्राई एट होम, यू विल ट्राई एट होम। ओके, तो 4004 ml इक्वल टू, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर, 4004 ml इक्वल टू 4004/1000 लीटर, तो 1000 करेंगे 4 टाइम्स जाएगा 4000, फिर 4 यहाँ क्या आएगा 4 यहाँ पे आएगा, तो नहीं जाएगा तो पॉइंट जीरो उतारेंगे, फिर नहीं जाएगा जीरो उतार के फिर नीचे जुड़ा होता है, 400 में 1000 डिवाइडेशन नहीं होता, तो फिर जीरो उतार के 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.004, ठीक है, इसका क्या आएगा 0.004, तो 4 प्लस कर देंगे तो 4.004 आ गया लीटर। ओके, एंड यू विल ट्राई टू फ्रॉम एक्सरसाइज 56 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एंड इफ यू एनी डाउट इन दिस वीडियो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, बाय।